दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो है वो है क्लासिकल दोजी, यानी एक कैंडल स्टिक पैटर्न है क्लासिकल दोजी, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छा सेटअप क्लासिकल दोजी जब बनता है तो चार्ट पैटर्न पे अगर दिखता है तो बहुत अच्छा मार्केट मूव करता है वहाँ से। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सीखिए, समझिए। और इसके पहले मैंने बहुत सारी कैंडल स्टिक की वीडियो ऑलरेडी आप लोग के लिए बना के डाल दी है, तो उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिएगा। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, कैंडल स्टिक की, लाइव ट्रेडिंग की, कुछ लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग की, वो सब मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जा करके जरूर देख लीजिएगा। देखिए कई प्रकार की दोजी होती है, जैसे क्लासिकल दोजी हो गई, लॉन्ग लेग दोजी हो गई, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन दोजी। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लासिकल दोजी की। ध्यान रखिएगा, दोजी पैटर्न सबसे अच्छा पैटर्न मैं मानता हूँ दोजी को। जो भी दोजी है, क्लासिकल है, लॉन्ग लेग है, ड्रैगन फ्लाई है, ग्रेव स्टोन है, ये बहुत अच्छा रिटर्न देती है अगर ये कैंडल स्टिक सही जगह पर बनती है। तो देखिए कैंडल स्टिक को सिर्फ देखना नहीं है, कैंडल स्टिक सही जगह पर बननी भी चाहिए, तभी हम कैंडल स्टिक को अप्लाई करते हैं तो वो हमें बेहतर रिजल्ट देके जाती है। अगर पीछे की कैंडलस्टिक की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि क्लासिकल दोजी दिखती कैसी है। मैं इसको चार्ट पे भी आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन क्लासिकल दोजी देखिए इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे कलर्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये प्लस टाइप की एक कैंडल होगी और कभी कभी इस तरीके हल्की सी बॉडी भी यहाँ पे रहती है, तो ये दोनों ही कैंडल को हम क्लासिकल दोजी बोलते हैं। क्लासिकल दोजी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है कैंडल स्टिक का, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्लासिकल दोजी अप ट्रेंड पे बने या डाउन ट्रेंड पे बने, ये दोनों जगह एक जैसा ही वर्क करती है, एक ही रूल ये दोनों के लिए है, क्लासिकल दोजी के लिए। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। देखिए क्लासिकल दोजी ध्यानपूर्वक देखिएगा, मान लीजिए एक ट्रेंड के बाद बन रही, इसमें जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने पहले ट्रेंड आप लोग को बताया था कि कंटिन्यू ट्रेंड होना चाहिए, एक शार्प मूवमेंट होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आराम से भी मार्केट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्लासिकल दोजी के लिए हमें फास्ट मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्लासिकल दोजी के लिए मार्केट आराम से भी चलता रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे नीचे की साइड में मार्केट आए या ऊपर की साइड में जाए, जिस ट्रेंड में जाए। मान लीजिए यहां पर हम एक अप ट्रेंड देख रहे हैं, तो अप ट्रेंड ऐसे ही धीरे धीरे गया और यहां पर एक क्लासिकल दोजी कैंडल बनी, या डाउन ट्रेंड हमने देखा, डाउन ट्रेंड में यहां पे हमें ये क्लासिकल दोजी कैंडल मिली। अब देखिए क्लासिकल दोजी के लिए क्या रूल्स इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, मैं इधर लिख देता हूं, अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पे 199 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि क्लासिकल दोजी हम नीचे भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, यानी टॉप पर भी हम देख सकते हैं और बॉटम पर भी देख सकते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में अगर हम इसको बॉटम पे क्लासिकल दोजी हमें मिली है तो कम से कम हमें क्या होना चाहिए, 199 पॉइंट का मूवमेंट। अगर बैंक निफ्टी है तो 199 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर हम टॉप पर देख रहे हैं क्लासिकल दोजी, तो कम से कम 199 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी जाना चाहिए, और उसके बाद देखिए 199 एक मिनिमम है, इसके बाद हो सकता है वो 200 के बाद बनाए, 250 के बाद बनाए, 220 के बाद बनाए, 300 पे बनाए, वो कहां पे बना रहा है। लेकिन अगर 199 पॉइंट के नीचे बना रहा है तो मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि 199 के नीचे बना रहा है तो मैं इसे फॉलो नहीं करने वाला हूं। दूसरी चीज, अगर हम इसे निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये 5 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ आप, तो यहाँ पे अब हम अगर निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 99 पॉइंट होना चाहिए। ये अगर मान लीजिए कि चार्ट हम 5 मिनट पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे निफ्टी में देख रहे हैं तो 99 पॉइंट का हमें या तो डाउन ट्रेंड चाहिए या अप ट्रेंड चाहिए। यही चीज़ अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 कैंडल बाद बने या फिर 10 कैंडल बाद बने, कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैंडल की इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की। हो सकता है ये 2 कैंडल में ही अगर 199 पॉइंट चला जाए, उसके बाद अगर ये दोजी कैंडल बनाता है क्लासिकल दोजी, तो मैं इसे फॉलो करूंगा, ये चीज ध्यान रखिएगा यहां पे। लेकिन मूवमेंट यहां पे मुझे 200 पॉइंट की चाहिए, निफ्टी चाहिए तो मुझे 99 पॉइंट की चाहिए, वो 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो या 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो, इससे मुझे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मेरा मूव, अगर आप किसी चार्ट पे देख रहे हो, मान लीजिए 5 मिनट पे देख रहे हो तो 5 मिनट पे ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूवमेंट 199 पॉइंट की मिलनी चाहिए। अगर यही हम किसी स्टॉक्स में फॉलो करते हैं, मान लीजिए हम किसी स्टॉक्स में फॉलो कर रहे हैं इंट्राडे चार्ट पे, तो यहाँ पे मान के चलिएगा कि कम से कम यहाँ पे आपको 2% से ज़्यादा का मूव होना चाहिए स्टॉक्स में। स्टॉक्स मान लीजिए 1000 का स्टॉक्स है, तो कम से कम 20 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए या 20 पॉइंट नीचे आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये हम दोनों ही कंडीशन में फॉलो कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में भी फॉलो कर रहे हैं और अप ट्रेंड में भी फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में क्लासिकल दोजी के लिए क्या चाहिए, अगर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं तो कम से कम मुझे 200 पॉइंट का मूवमेंट यहां पे, 2% का मूवमेंट हमें यहां पे मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का लगभग, निफ्टी में लगभग 99 पॉइंट का। अगर यही चीज हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, ध्यान के डे चार्ट पे अगर देख रहे हैं, तो कम से कम यहां पे ध्यान रखिएगा, चाहे वो स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, कम से कम 4% से ज्यादा का मूव होना चाहिए, 4 से 5% से ज्यादा का मूव हमें यहां पे मिलना चाहिए, यानी टोटल जो मूव की बात कर रहे हैं वो मूव हमें 4
4 से 5% से ज़्यादा का मूव मिलेगा और उसके बाद क्लासिकल दोजी बनेगा, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, सिर्फ बनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि बनने के बाद वो एक्टिव भी होनी चाहिए। आप लोग सिर्फ कैंडल देख लेते हैं, वो एक्टिव हो या ना हो आप लोग के लिए ट्रेड हो चुका है। क्लासिकल दोजी बनने के बाद ये एक्टिव कैसे होगी, ध्यान रखिएगा, एक्टिव हमेशा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना कि हम जैसे एक क्लासिकल दोजी है तो ये पिछली कैंडल जो आपको दिख रही है, मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पे आप फॉलो कर रहे हैं इसको, 5 मिनट के चार्ट पे हम फॉलो कर रहे हैं, तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर क्लासिकल दोजी, मान लीजिए ये लेवल है हमारा, मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी है और ये लेवल हमारा 41,112 का लेवल है, ये मान के चलते हैं 41,112 के लेवल है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको हम तभी फॉलो करते हैं जब ये 41,112 के ऊपर कम से कम 2 मिनट ट्रेड कर ले, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसी में ट्रैप हो गए क्लासिकल दोजी में। क्लासिकल दोजी में जब भी ये लास्ट कैंडल के हाई, यानी जो कैंडल क्लासिकल दोजी बनी है इसके पहले वाली जो कैंडल बनी है इसके ऊपर कम से कम इसे 2 मिनट टिकना चाहिए, 2 मिनट इसके ऊपर बंद रहेगा तो ही इसे हम फॉलो करेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि मतलब 112 के ऊपर अभी 2 मिनट कंटिन्यू ट्रेड कर रहा तो मैं इसे फॉलो करूंगा, नहीं ट्रेड कर रहा तो नहीं फॉलो करूंगा। मान लीजिए ये 1 मिनट 112 के 41,112 के ऊपर ट्रेड किया और नेक्स्ट मिनट में ये 41,110 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है तो इसे अप्लाई नहीं करेंगे, कम से कम 2 मिनट, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि कम से कम 2 मिनट ये 41,112 के ऊपर सस्टेन ही करना चाहिए तभी क्लासिकल दोजी का एक अच्छा मूवमेंट आएगा। ये आप लोग सिर्फ कैंडलस्टिक बुक में पढ़ के देखते हो ना तो उससे काम नहीं होगा, प्रैक्टिकली इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैंने ये प्रैक्टिकली सारी चीजें मैं करता हूं तो मुझे पता है कि कब ये अच्छा मूव देती है, तो इसके ऊपर कम से कम 2 मिनट ये मूव करेगी उसके बाद ही यहां पे एक अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा या एंट्री कहां लेना है हमें, इसके ऊपर जब 2 मिनट ये टिक जाएगा तब हमें एंट्री लेना है, इंट्राडे में भी और डेली चार्ट में, तो हमेशा क्लोजिंग देखनी है। अगर मान लीजिए क्लासिकल दोजी डेली चार्ट पे बना है तो हमें इस कैंडल के ऊपर क्लोज चाहिए, इस कैंडल के ऊपर मान लीजिए 41,112 है तो हमारी क्लोजिंग 41,112 के ऊपर होगी तभी मैं इसे फॉलो करूंगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर टॉप में बनाती है तो टॉप में भी सेम सिचुएशन है, उसके नीचे कंटिन्यू 2 मिनट ट्रेड करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे लेवल होगा, मान लीजिए कि 42,200 का लेवल है अगर क्लासिकल दोजी के पहले वाली कैंडल, ये क्लासिकल दोजी है एक कैंडल इसके पहले होगी और के नीचे जब ये ट्रेड करेगा तब हम इसको ट्रेड लेंगे, वो भी कब, मान लीजिए 42,200 का ये लेवल है इस कैंडल का, तो 42,200 के नीचे जब ये 2 मिनट ट्रेड कर लेगी ना तभी मैं इस पे ट्रेड लूंगा, वरना मैं ट्रेड यहां पे नहीं लूंगा। इस कंडीशन में हमारा SL जो रहता है वो क्लासिकल दोजी के थोड़ा सा नीचे लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी कैंडल होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं उसे तो कम से कम आप 20 पॉइंट से ज्यादा का SL लगा लेना, मतलब अगर मान लीजिए इस कैंडल का, क्लासिकल दोजी कैंडल का लो आपको है 41,090 का, मान लीजिए 41,090 का अगर लो है तो मैं इसमें 20 पॉइंट और जोड़ के 41,070 का मैं यहाँ पे SL लगा के रखूँगा। ध्यान रखिएगा क्लासिकल दोजी जहाँ पर भी बने बॉटम पे बन रहे हैं, बॉटम पे बन रही है इस पे हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें 20 पॉइंट नीचे का SL लगाना है, टॉप पे बन रही है इस पे हम डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो 20 पॉइंट ऊपर का हमें यहाँ पे SL लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको, SL बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, नहीं तो SL टिक करके चला जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट हो या इस ट्रेंड का हाइएस्ट पॉइंट ही क्लासिकल दोजी हो सके इसके पहले और 2-3 कैंडल धीरे धीरे इसी जगह पर बनी हो तो भी हम क्लासिकल दोजी को फॉलो कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका जो टारगेट निकल के आता है ना, पहला टारगेट जो होता है वो 55% का, किसका 55%, ये जो डाउन मूव आ रहा है ना इस डाउन मूव का 55%, इंट्राडे के चार्ट की बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट पे हम कैंडलस्टिक और बहुत सारी चीज़ें और देख के फॉलो करते रहते हैं हम, लेकिन इंट्राडे चार्ट पे इस पे क्या होगा, इंट्राडे चार्ट पे जो पहला टारगेट होगा वो क्या होगा 55% इस मूव का, यानी मान लीजिए ये मूव कितने का है, ये मूव मान लीजिए 300% का 300 पॉइंट का मूव है तो मैं यहाँ 150 पॉइंट यहाँ पे रिवर्सल में 150 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे रिवर्सल मैं देख रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे अच्छा वर्क कब करेगी, जब आप ट्रेंड की साइड में ट्रेड ले रहे हो, मान लीजिए अभी मार्केट का ट्रेंड अप है, अगर यहाँ पे 200 पॉइंट से ज़्यादा का बैंक निफ्टी नीचे गिरता है, नीचे की तरफ क्लासिकल दोजी बनाता है तो ये ज़्यादा अच्छा मूव करेगी, जबकि ये आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, कौन सा अप ट्रेंड में अगर अपसाइड में बन रही है तो ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन जब बनेगा तो हम इसे ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूं तो यहां पे मैं 25 क्वांटिटी ही ट्रेड करूंगा, ये ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड की साइड में हमेशा अपनी क्वांटिटी हम ट्रेड करते हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेड लेना है तो क्वांटिटी को 75% हम कम कर देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा हर समय। पहला टारगेट क्या होगा हमारा 55 का होगा, दूसरा टारगेट जो हमारा होता है वो 88% का, पूरे मूव का 88%
हमारा सेकंड टारगेट होगा, और जो थर्ड टारगेट हमारा होगा वो 122%, यानी पूरे मूव का 122% हमारा थर्ड टारगेट यहाँ पे होगा। मान लीजिए अगर ये कैंडल नीचे की साइड में बनी, मान लीजिए ये मूव हमें 300 पॉइंट का रहा, तो पहला जो टारगेट होगा हमारा वो 160 पॉइंट 165 पॉइंट के आसपास का रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा वो 88% का रहेगा, यानी पूरे मूव का 88%, ठीक है। और जो तीसरा टाइम मान लीजिए 300 का है, तो हमारा टारगेट कितना हो गया 88%, मतलब 8 3 24 और 8 3 24 244 पॉइंट का हमारा तीसरा टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ 254 पॉइंट का हो जाए, 244 पॉइंट का हो जाएगा। तो ये चीजें आपको कैलकुलेट करके एक डायरी बना लीजिए, डायरी में लिख लीजिए। ये इसी तरह की मूवमेंट देती है क्लासिकल दोजी, जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन जब मिलती है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। शायद इसको आप ढूंढोगे तो शायद वीक में आपको एक बार या दो बार ही मिले, लेकिन जब मिलेगी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, किस दिन पता लगे उस दिन कोई और सेटअप ही नहीं बन रहा, यही सेटअप हमारे लिए बन गया तो उस पर हम वर्क करेंगे, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए अब मैं चार्ट पे इस चीज़ों को दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप भी लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ट्रेडिंग ऐप जो है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो अब आपको आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप प्ले स्टोर और गूगल स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके फ्री मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्लासिकल दोजी है, ये ऊपर की साइड में बनी है, तो क्या होगा, ये बेरिश कैंडल हो गई, क्योंकि ये ऊपर की साइड में बनी है तो बेरिश हो। तो ध्यान रखिएगा, जब इस ग्रीन कैंडल के नीचे ये दो मिनट ट्रेड कर लेगा ना, नहीं तो आप लोग एक दो मिनट एक निकलेगा मेरे मुंह से तो आप लोग एक ही मिनट फॉलो करोगे। तो दो मिनट कम से कम ये इसके नीचे जब ट्रेड कर लेगा ना, तब मैं इसे फॉलो करूंगा। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो यहाँ पे 55% का, किसका, इस मूव का, इस अप मूव का। ये अप मूव ध्यान रखिएगा 199 पॉइंट से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो तो, निफ्टी कर रहे हो तो 99 पॉइंट से ज़्यादा का ये मूव होना चाहिए। पहला टारगेट 55% होगा, सेकेंड टारगेट 88% का यहाँ पर रहेगा, और थर्ड टारगेट हमारा 122% का यहाँ पे रहता है। इंडेक्स पे तो नज़र बना के यहाँ पे रखिएगा, इंडेक्स हो कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक्स हो, स्टॉक्स में भी टारगेट यही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। स्टॉक्स में लेकिन ये मूव जो होना चाहिए वो 2% से ज़्यादा का होना चाहिए, वहाँ पे पॉइंट नहीं, वहाँ पे परसेंट है। इंडेक्स क्या है हमारे पास, बैंक निफ्टी और निफ्टी दो ही है, तो वहाँ पे मैं पॉइंट वाइज निकाल के बैठा हूँ, जबकि स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो हर स्टॉक्स का पॉइंट वाइज नहीं निकाल सकता हूँ। तो वहाँ पे मिनिमम 2% का मूव होता है, तो हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं इंडेक्स में। तो यहाँ पे देखा पहला क्लासिकल दोजी आपने देखा, अब चलिए सेकंड यहाँ पे देखते हैं। ये हमने बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखा, अब हम इसको देखते हैं, ये एक चार्ट देख लीजिए। ये चार्ट भी बैंक निफ्टी में देखिए क्लासिकल दोजी बना है, जैसा कि मैंने बताया ना, ये जरूरी नहीं है कि हमें ट्रेंड हो, अगर बीच में भी चल रहा है लेकिन एक पुराना ट्रेंड, पिछला ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है अच्छा, तो वहाँ पे अगर बनेगा तो हम इसे फॉलो कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये कैंडल टॉप ही होनी चाहिए, टॉप के पहले भी बन गया तो भी चलेगा। तो यहाँ पर इस कैंडल को आप देख सकते हैं, ये क्लासिकल दोजी है, इसे हम फॉलो तब करेंगे जब ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे कंटिन्यू 2 मिनट ट्रेड करने लगेगा, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। टारगेट आप लोग को बताइए कितना टारगेट है, और स्टॉप लॉस भी मैंने बताया है कि इस कैंडल के ऊपर कम से कम 20 पॉइंट आप और ऐड कर लीजिएगा, जो भी हाई होगा उस पर 20 पॉइंट आपको और ऐड करने हैं बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी उसी तरह से 7 से 8 पॉइंट आपको ऐड करने हैं। अगर कोई स्टॉक्स है तो स्टॉक्स में भी आप मान के चलिए 1000 का स्टॉक्स है तो 1 रुपये ऊपर का ऐसे लगाइएगा, 500 का है तो 50 पैसे ऊपर का ऐसे लगा के आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा चार्ट जो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला नीचे की साइड में, और यहाँ पे देखिए क्लासिकल दोजी इस जगह पे बनी है, और इसके बाद जैसे ही इसने, यहाँ मैं पहले हटा देता हूँ, जैसे ही इसने देखिए इस कैंडल के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट किया, हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर भी क्लासिकल दोजी ने दिया है। बस इसी तरह से क्लासिकल दोजी आपको फॉलो करने, देखिए हर कैंडल की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हर चीज़ को समझने के लिए। यहाँ पर देखिए ये डेली चार्ट पे बना हुआ है, ये डेली चार्ट पे निफ्टी में बना हुआ है, क्लासिकल दोजी बिल्कुल टॉप पे जाके बना, बहुत अच्छी मूवमेंट देखिए करने के बाद यहाँ पे क्लासिकल दोजी बना, और इस कैंडल के नीचे ये एक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा इस कैंडल के नीचे ये एक्टिव होगा, क्योंकि क्लोथिंग बेसिस पे हम इसे फॉलो करेंगे। अगर डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो हम इसे क्लोथिंग बेसिस पे फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे ये एक्टिव होगा। उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त नीचे की साइड की मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे एक चार्ट मैं और आप लोग को दिखा दूँ, तो इस चार्ट को भी जरा ध्यान से देखें, तो इस चार्ट में देखिए क्लासिकल दोजी यहाँ पे बना है,
इस टॉप के आसपास में यहाँ पे क्लासिकल दोजी आपको दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद ये क्लासिकल दोजी बना, और जैसे ही इस कैंडल के नीचे ये 1-2 मिनट सस्टेन कर रहा है, उसके बाद हमें एक मूवमेंट मिली, छोटी सी मूवमेंट मिली, लेकिन यहाँ पे हमें एक मूवमेंट मिली। लेकिन हाँ, हमारे टारगेट जो 55% है, वो टारगेट होने के बाद ये वापस धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में गया। तो ये एक्सपीरियंस आपका काम आएगा इस जगह पर, कि इस जगह के मूवमेंट पर आपका एक्सपीरियंस काम आता है। तो चीज़ों को ज़रा समझिएगा, ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड में बना है, डाउन ट्रेंड में बना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये सब सारी चीजें जब तक आपको पता नहीं रहेंगी ना, तब तक आप अच्छे ट्रेंड को नहीं पकड़ पाओगे। तो कैंडल स्टिक को सीखिए, समझिए, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ में स्टॉक्स से पहले अप्लाई कीजिए, स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, और बहुत सारी जानकारी मैं वीडियो के मार्फत आप लोग को बताते रहता हूं। तो वीडियो को देखिए, समझिए।